सबको पसंद है मिठाइयाँ। मैं आपको दिखाऊंगी आज एक सिंधी रेसिपी, भात जो सीरो या लापसी का हलवा। लापसी को ब्राउन किया जाता है घी में और पकाया जाता है शक्कर, नट्स और इलायची के पाउडर के साथ। आइए देखते हैं सामग्रियां। हमें बहुत कम सामग्रियां चाहिए। सबसे पहले मेरे पास है लापसी या ब्रोकन व्हीट, मैंने लिया है 1 कप, और उतनी ही मात्रा में शक्कर, लेकिन अगर आपको कम शक्कर डालनी है डालिए 3/4 कप शक्कर। अब मेरे पास है 2 चम्मच भर के घी, मिक्स्ड नट्स 1/4 कप और 2 चम्मच भर के इलायची या कार्डमम पाउडर। अब इसे बनाने के काफी तरीके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ जल्दी और आसान तरीका जिसमें ये 5 से 8 मिनट में पक जाएगी प्रेशर कुकर में। तो हम शुरू करेंगे गरम करने से प्रेशर कुकर को, और इसमें ऐड करूंगी मैं घी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये लापसी, और अब मैं ब्राउन करूंगी मध्यम से कम आंच पर 3 से 5 मिनटों के लिए, जब तक कि लापसी में आ जाए सुंदर सी फ्लेवर और अच्छा सा जायका। इसे चलाते रहेंगे ताकि ये बहुत ज्यादा ब्राउन ना हो जाए कुछ जगहों पर। एक बार इसमें से आए सुंदर सी खुशबू, इसमें डालेंगे पानी। अब बहुत ही ध्यान से डालें पानी क्योंकि ये चटक भी सकता है। तो हम इसमें डालेंगे लापसी से दुगनी मात्रा में पानी। तो मेरे पास थी 1 कप लापसी, इसलिए मैंने डाला है 2 कप पानी। अब मैं इसमें डालूंगी आधी मात्रा में इलायची पाउडर, और मैं इसे प्रेशर कुक करूंगी 1 सीटी बजने तक। अब ये लापसी पक चुकी है, मैं अब खोलूंगी कुकर को, मिला लूंगी सब कुछ, और फिर से गैस को ऑन करेंगे और डालेंगे इसमें शक्कर। अब इसमें डालेंगे हम शक्कर और इसे पिघलने देंगे और मिला लेंगे जैसे कि कोई भी हलवा बनता है। तो इसे लगेंगे 3 से 5 मिनट, तो चलाते रहेंगे इसे जब तक ये बन जाए गाढ़ा अच्छा सा मास। अब ये लापसी पक रही है पिछली 8 मिनटों से, मैं गैस को ऑफ करूंगी और मैं इसे निकाल लूंगी सर्विंग बोल में। याद रखिए ये ठंडी होते ही गाढ़ी होती जाएगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये नट्स, आप ले सकते हैं कोई भी कॉम्बिनेशन नट्स का, मेरे पास है बादाम, पिस्ता और काजू। सजाएंगे इसे थोड़े से इलायची पाउडर के साथ, और आपकी स्वादिष्ट मिठाई तैयार है बिल्कुल कम समय में।